अगर हम नहीं करेंगे एक्शन तो फिर हीरो का एक रिजल्ट ही नहीं है. बिना एक्शन के आप हीरो को देख ही नहीं पाओगे वो चीज़ में. मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज अ स्टंट मैन फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स. धूम 3 में मैंने एक शॉट दिया जो उदय चोपड़ा पोस्टर फाड़ के आता करीबन 2 माले से. तो 2 माले से मैं डायरेक्ट आया हूँ बॉक्स पे आया हूँ, लेकिन वो सेफ्टी रहती, वो कट करके अलग शॉट रहता है. स्टंट मैन जॉब इज़ अ वेरी डेंजरस जॉब. वो कोई आम इंसान की लाइफ का वो नहीं रहता है कि स्टंट मैन में जाओ और सक्सेस होना. चैलेंजेस ऐसे रहता है जैसे ये बाइक जंप करके निकलना है 2 कार के ऊपर से या फिर ट्रक के ऊपर से. स्टंट मैन अगर प्रोफेशनल है उस चीज़ पे तो फिर ही वो एक्शन डायरेक्टर उसको चूज़ करेगा. वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी पलटी कर रहा है, तो गाड़ी चलाने वाला अलग रहता है, गाड़ी पलटी करने वाला अलग रहता है. जैसा भी किसी को बोला कि ये ग्लास ब्रेक करके 4th माले से आना है नीचे, और नीचे डायरेक्ट बॉक्सेस है, तो हीरो तो खाली मूवमेंट देगा, ये एक्शन किया वहाँ से एक बॉडी डबल जाएगा उसके जगह पे. तो वो 4 माले से जा रहा है वो उसका रिस्क है. वो उसमें भी एक ऐसा जैसे बॉडी में एयर में अगर वो इंसान अगर ऐसा हो जाता है नोज डाउन तो ख़त्म. पीछे से आया तो भी चांसेस है बैक बोन टूटवाने का. उसको पैरों पर आना, उसका एक जजमेंट है कि मेरे को ऐसे ही लैंड होना है तो ही मैं हो सकता हूँ. अपन यहाँ फिल्म देखते हैं जो वो तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क बहुत है. मेरा एक बार पैर टूटा है, ये लेफ्ट फुट. वो सीक्वेंस ऐसा था कि एक ऐसे कार खड़ी है जो हीरोइन की जा रही है, 2 गुंडे ऐसे रुकाते हैं, वहाँ से हीरो बाइक जम करके आता है. तो मैं फ्रंट के कार से बैंग हो गया था, मिनिमम 3 मंथ्स बेड रेस्ट था. चेन्नई एक्सप्रेस में एक स्टंटमैन मेरे सामने, उसकी बहुत डैमेज हो गया था. वो शॉट था क्या कि जब ये कार ऐसी जा रही है और एक सिलेंडर का रिक्शा पलटती है तो सिलेंडर ब्लास्ट होएगा उसके ऊपर, तो गाड़ी का फायर पूरा अंदर आ गया. सो ही वॉज एक्चुअली सेकेंड चांस मिला उसे, वो स्टंटमैन को, वो पूरा जल चुका था उसमें. एक तरह का नया स्टंटमैन जब बनता है उसको स्ट्रगलिंग लाइफ देखनी पड़ती है. तो उसके लिए स्टंटमैन की जॉब मतलब कब मेरी शूटिंग निकले और कब मैं पैसा घर पे कमा के लाऊं और कब मेरी फैमिली चलाऊं, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लाइफ है ये. रोल, कैमरा, एक्शन, जब ये 3 वर्ड स्टार्ट होता है ना, उस टाइम थोड़ा फील होता है फियर लिटल बिट, लेकिन जब वो फिर फोकस उसमें ही रहता है कि ये करना ही है अभी. क्या बात है, वेरी गुड जीशान.